बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में आज हम लोग पंचदशह पाठः मातुल चंद्र की पुनरावृत्ति करेंगे। और इस पाठ में मातुल चंद्र अर्थात मामा मामा के बारे में, जिसे बच्चे चंदा मामा कहते हैं, और चांद के साथ एक रिश्ता जोड़ लेते हैं, उसी का वर्णन किया गया है यहाँ पर। एक बच्चा जो है, वो बच्चे जो है पूछते हैं कि किस तरह से तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे, और तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, मुझे गीत क्यों नहीं सुनाते। तो छोटे बच्चों के अंदर जैसे जिज्ञासा होती है और बहुत सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में इस पाठ में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इस पाठ में मातुल चंद्र, ये पाठ है, एक बाल गीत है, ये छोटे छोटे वाक्यों में लिखा गया है। और इसमें पहला वाक्य दिया हुआ है, कुत आगच्छसी मातुल चंद्र। कुत मतलब कहाँ से, कुतः शब्द है ये, कुत शब्दार्थ हम लोग पहले करेंगे, कुत मतलब कहाँ से। कहाँ से आगच्छसी, आगच्छसी मतलब आए हो, मातुल चंद्र, आगच्छसी मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा। चंदा मामा यहाँ पर चांद को कहा गया है, चंदा मामा। और कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि कहाँ से आते हो मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। और कुत्र गमिष्यसि, कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र का अर्थ है कहाँ, कहाँ। गमिष्यसि, गमिष्यसि मतलब कहाँ जाओगे, गमिष्यसि जाओगे। कुत्र गमिष्यसि कहाँ जाओगे, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। कुतः मतलब कहाँ से, आगच्छसि आए हो, आते हो। मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, और हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। कुत्र गमिष्यसि कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीला काशः, अतिशय मतलब बहुत अधिक, विस्तृत यानी कि फैला हुआ, बहुत अधिक फैला हुआ, अतिशय विस्तृत, अतिशय विस्तृत यानी कि बहुत दूर तक फैला हुआ, विस्तृत मतलब फैला हुआ, अति विशाल बहुत बड़ा, आसमान जो है वो बहुत बड़ा है। अतिशय विस्तृत यानी कि बहुत अधिक दूर तक फैला हुआ, बहुत अधिक बड़ा, अत्यंत बड़ा। नीला काशः, नीला आसमान है, नीला मतलब नीला रंग, आकाशः मतलब आसमान। तो आकाश का रंग नीला है और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है अतिशय विस्तृत नीला काशः, बहुत दूर तक फैला हुआ, अत्यंत बड़ा नीला आसमान। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, नैव, नैव में न और एव है, और नहीं, दृश्यते, दृश्यते मतलब दिखता है, नहीं दिखता है, न दृश्यते नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। क्वचित अवकाश, क्वचित ये अव्यय है, क्वचित मतलब कहीं भी, क्वचित क्वचित मतलब कहीं भी। नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता है, अवकाश मतलब खाली जगह, कहीं भी उसमें खाली नहीं है, कहीं भी खाली जगह नहीं है कि कहीं कोई रास्ता है जहाँ से कि तुम आते हो और फिर वहाँ चले जाते हो, तो ऐसा कोई खुला रास्ता नहीं है, चारों तरफ आसमान ही आसमान है। तो तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे,
हे चंदा मामा कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा कहाँ से आते हो, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, और कहाँ चले जाते हो चंदा मामा, तुम कहाँ चले जाते हो। तो यहाँ पर अतिशय विस्तृत नीलाकाश, अत्यंत विशाल नीले आसमान में, नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, अवकाश मतलब खाली, कहीं भी नहीं दिखाई देता है, कहीं भी ऐसा वहाँ पे खुला नहीं है, कोई जगह नहीं, रास्ता नहीं बना हुआ है कि तुम वहाँ से आते हो और वहाँ चले जाते हो। तो बच्चा जो है ये बात पूछता है चंदा मामा से कि तुम कहाँ से आते हो और कहाँ चले जाते हो। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कथम प्रयास्यसि, कथम मतलब कैसे, प्रयास्यसि मतलब जाओगे। जब आसमान में कहीं भी खुला जगह नहीं है, कहीं भी कोई द्वार नहीं है, कहीं भी खुला जगह नहीं है और सब जगह जो है आसमान ही आसमान है, तो तुम कहाँ जाओगे। प्रयास्यसि, प्रयास्यसि मतलब जाओगे। प्रयास्यसि मतलब जाओगे, तुम कहाँ जाओगे। तो बच्चा जो है पूछता है कि तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे, कहीं भी तो आसमान में जगह नहीं है जहाँ कि तुम फिर कहाँ जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा। कथम आयासि न भो मम गेहम, कथम आयासि, कथम आयासि यानी क्यों नहीं आते हो, भो मतलब हे, मम गेहम मेरे घर, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल किरसि कथम न स्नेहम, हे चंदा मामा तुम स्नेहम मतलब प्रेम, अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना प्यार, किरसि कथम न, क्यों नहीं हम पर बरसाते हो। किरसि मतलब बरसाते हो, बिखेरते हो, तुम अपना प्यार हम पर क्यों नहीं बिखेरते हो और तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। तो यहाँ पर बालक जो है वो पूछता है अपने चंदा मामा से कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। तो गेहम मतलब घर को, गेहम का अर्थ है यहाँ पर घर। किरसी, किरसी मतलब बिखेरते हो। किरसी मतलब बिखेरते हो, तुम क्यों नहीं मेरे घर आते हो और क्यों नहीं जो है अपना प्यार, अपना स्नेह हम पर बिखेरते हो। अब आगे कहता है कि कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से, कहाँ जाओगे हे चंदा मामा, तुम कहाँ जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आते हो मातुल चंद्र। कथम आयासि नभो मम गेहम, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते। मातुल किरसि कथम न स्नेहम, और हे चंदा मामा तुम हम पर अपना प्रेम क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, अब वो कहता है, बच्चे कहते हैं कि कदा मतलब कब, गमिष्यसि मातुल चंद्र, तुम कब जाओगे चंदा मामा। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहाँ से आए हो हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आए हो। तो कदा गमिष्यसि, कदा का मतलब होता है कब। कुतः का मतलब होता है कहाँ से और कदा का अर्थ होता है कब और कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तो अब जो है कदा शब्द आया यहाँ पे, कदा का अर्थ होता है कब, कदा अर्थात कब। आगमिष्यसि, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र,
कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सित परिधानम, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। धवलम तव चंद्रिका वितानम, अब यहाँ पर धवलम का मतलब है कि सफ़ेद चमकदार है। धवलम तुम्हारा जो है, वितानम ये जो है दूर तक फैला हुआ जो नीला आकाश है, नीला आकाश है वो धवलम यानी कि धवलम का अर्थ है यहाँ पर सफ़ेद। और चंद्रिका वितानम, धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारा जो है फैली तुम्हारी जो चांदनी है, चंद्रिका वितानम चंद्रिका वितानम का अर्थ है तुम्हारी जो फैली हुई चांदनी है यानी तुम्हारी जो रोशनी आती है जिसको चांदनी कहा जाता है, चंद्रमा की जो रोशनी होती है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसको चांदनी कहा जाता है क्योंकि वो चंद्रमा से निकलती है। तो धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारा जो है तुम्हारा जो प्रकाश है वो धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारे फैली हुई चांदनी जो तुम फैलाते हो, जो प्रकाश बिखेरते हो, वह धवलम यानी कि सफ़ेद है। और तारक खचितम सित परिधानम, और तुम्हारे तारक खचितम तारों से जड़े हुए तुम्हारे वस्त्र हैं, सफ़ेद वस्त्र हैं, सित परिधानम सफ़ेद वस्त्र हैं। तो तारक खचितम तारक तारे को कहते हैं और खचितम मतलब जड़े हुए, तारों से जड़े हुए, तारों से शोभित तारों से शोभित यानी कि सुंदर सित परिधानम सित परिधानम तारक खचितम सित परिधानम यानी कि सफ़ेद वस्त्र, तुम्हारे जो सफ़ेद वस्त्र हैं वे तारों से सुशोभित हैं, तुम्हारे सफ़ेद वस्त्र तारों से जो है वो सुशोभित है, सुंदर लग रहे हैं। तारे जड़े होने के कारण तुम्हारा जो ये सफ़ेद वस्त्र है वो सुंदर दिखाई दे रहा है। अब बच्चे कहते हैं कि मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मुझे दोगे मातुल चंद्र, हे चंदा मामा मुझे दोगे, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा। मह्यम, मह्यम मतलब मुझे, मह्यम मह्यम का अर्थ होता है मुझे। मुझे दोगे मातुल चंद्र और कहाँ से आते हो चंदा मामा, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अब यहाँ पर अंतिम चार पंक्तियों में कहा गया है त्वरितम एहि माम श्रावय गीतम, श्रावय गीतिम, त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम। त्वरितम मतलब जल्दी से, त्वरितम मतलब जल्दी से, शीघ्र शीघ्र जल्दी, शीघ्र जो है जल्दी से, ए ही मतलब आओ। त्वरितम ए ही माम श्रावय गीतम, यहाँ पे श्रावय गीतिम त्वरितम ए ही माम, जल्दी से आओ, माम मतलब मुझे, श्रावय गीतिम गीत सुनाओ, श्रावय मतलब सुनाओ,
यही मतलब आओ। यही मतलब आओ श्रावय, श्रावय मतलब सुनाओ। यही मतलब आओ श्रावय मतलब सुनाओ। माम श्रावय गीतिम, मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम, हे प्रिय मामा, मातुल मतलब मामा, हे प्रिय मामा प्यारे मामा, वर्धय मे प्रीतिम, वर्धय मतलब बढ़ाओ, वर्धय वर्धय मतलब बढ़ाओ, वर्धय में प्रीतिम, और तुम मेरा, तुम मुझ पर अपना प्रेम बढ़ाओ। किन्न आयासी मातुल चंद्र, कित यहाँ पे किन्न आयासी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, और कुत आगच्छसी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। किन्न आयासी मातुल चंद्र, तुम क्यों नहीं आते हो चंदा मामा, और कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो बच्चों के मन में जो प्रश्न है वो है कि चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे, क्योंकि इस पूरे विशाल आकाश में कहीं भी कोई भी अवकाश नहीं है, कोई भी खाली जगह नहीं है जहाँ की कोई रास्ता हो तुम्हें जाने के लिए और आने के लिए। तो तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे, और तुम मुझ पर अपना प्रेम क्यों नहीं बरसाते, मेरे घर क्यों नहीं आते, और मुझे गीत क्यों नहीं सुनाते। ये बहुत सारे प्रश्न जो है वो बच्चों के मन में हैं, और वो जो है चंदा मामा से अपने ये प्रश्न पूछते हैं। तो ये पाठ जो है बाल गीत है, और अभिनय सस्वर गायत, सस्वर गाना है इसको, और सभी बच्चे इसका अभ्यास भी करेंगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कथम आयासि न भो मम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, धवलम तव चंद्रिका वितानम, तारक खचितम सिरपसित परिधानम, महियम दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, त्वरितम एहि मां श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम, किन्न आयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। तो इस तरह से चंदा मामा को संबोधित करते हुए बच्चे जो है वो चंद्रमा से बातें करते हैं, और उनको चंदा मामा कहकर एक रिश्ता स्थापित करते हैं, और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये बाल गीत हम लोग पढ़े, और अब यहाँ पर अभ्यास में दिए गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। पद्यांशान योजयत, पद्यांशों को जोड़ो। तो ये जो है किताब से, जैसे कि मातुल किरसी है, इसको हम लोग जोड़ेंगे, मातुल किरसी कथम न स्नेहम, तारक खचितम को जोड़ेंगे सित परिधानम से, त्वरितम एहि माम इसको मिलाएंगे श्रावय गीतिम से, और अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, और धवलम तव चंद्रिका वितानम। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, पद्यांशों का रिक्त स्थान ये सब देख के पूरा किया जा सकता है, खाली जगह को वाक्य देखकर मिलाना है, तो ये बच्चे खुद से कर लेंगे। और चौथा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अस्मिन् पाठे कह मातुलः, इस पाठ में मातुल कौन है, तो अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः अस्ति, चंद्रमा मातुल है। ख है नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाश कैसा है, तो नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति। और ग है मातुल चंद्रः किम न किरति, तो
तो मातुल चंद्रह स्नेहम न किरति, और घ है किम श्रावयतुम शिशु चंद्रम कथयति, क्या सुनाने के लिए कहता है, तो किम श्रावयतुम, यहाँ पे गीतिम श्रावयतुम, गीत सुनाने के लिए कहता है, गीतिम श्रावयतुम शिशु चंद्रम कथयति, चंद्र से सित परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा का सित परिधान कैसा है, तारक खचितम, तारों से जड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इन प्रश्नों को किया और बाकी उदाहरण देखकर पूरा करना है, ये छात्र स्वयं से कर लेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।